मुझे क्या मालूम भाई। एक बात बताओ, हाफिज शिराजी को जानते हो? पहली मर्तबा एक आपने नाम लिया है और बहुत बड़े। पहली मर्तबा मुसलसल नाम ले रहा हूँ, सगीर का नाम ले रहा हूँ और लोगों को अपना बता। कौन सगीर? सगीर कौन? सगीर वही वाला सगीर, मेरा दोस्त। ये कुछ याद नहीं आपको? जानते हो ना सगीर के बड़े भाई को जानते हो, और मेरे ससुर को नहीं पहचानते? हाफिज शिराजी को भी जानते हो कि नहीं जानते हो? फारसी जबान के सबसे बड़े शायर। अल्लाह तुम्हारा भला करे, फारसी जबान के बहुत बड़े शायर हैं। क्या नाम था इनका? एक मिनट, अभी नाम लिया है ना मैंने, क्या नाम था? अभी क्या नाम लिया है मैंने? हाफिज शिराजी। हाँ, हाफिज शिराजी। हाफिज शिराजी और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? उनका नाम है हाफिज शिराजी और हमारे हाफजे का शिराजा बिखर गया है। पहले बता देते आप इश्तहार देखें। दूसरा वक्फा भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम कभी ढाका गए हो? अल्लाह का शुक्र आपको ढाका याद रहा। हाँ, ढाका गए हो कभी? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ढाका नहीं गया। तो फिर मेरे साथ चलो। आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं? हैं? आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं ढाका? मैं ढाका से दो दिन पहले ही तो आया हूँ। और तुम ये बताओ, तुम ढाका चलोगे? आप दो दिन पहले ढाका से तशरीफ लाए हैं? मैं दो दिन पहले ढाका से तशरीफ लाया हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? ये किसने बताया तुम्हें कि मैं दो दिन पहले ढाका से आया हूँ? तुमने बताया। मैंने बताया? तुमने बताया मुझे। मैंने क्या, कब बताया तुम्हें? क्या आप दो दिन पहले ढाका से तशरीफ लाए? अच्छा, ये बता चुका हूँ मैं जी। अच्छा तो ये बताओ कि मैं ढाका क्यों गया था? अब मुझे क्या मालूम ढाका क्यों गए थे? अबे तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये वक्त किसी भी पाकिस्तानी पे आ सकता है। मुझे क्या पता हुजूर कि आप ढाका क्यों गए थे? आप बेगम को फोन करें अपनी, उनसे पूछे कि आप ढाका क्यों गए थे। किसे पूछूं? बेगम से? नहीं नहीं, उनसे नहीं पूछूंगा। उनकी मेमोरी जो है ना बहुत ख़राब है, उनकी याददाश्त बहुत ख़राब है, अजीब और गरीब याददाश्त है। ये किस जबान का लफ्ज़ है मेमोरी? मेमोरी नहीं, मेमोरी 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 दिमाग, अंग्रेजी का लफ्ज़ है। अच्छा, अंग्रेजी का लफ्ज़ है मेमोरी। मेमोरी का मतलब याददाश्त। जी जी, याददाश्त का मतलब है पुरानी बातें कोई ऐसी बात। मेरी बेगम की याददाश्त जो है ना बहुत ख़राब है। अब देखिए, मैं खाता हूँ उबला हुआ अंडा, ठीक है? अब वो टेबल पे उन्होंने उबला हुआ अंडा परसों ला के रख दिया। अब वो अंडा मैंने उठाया, उसको यूं 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 किया और हाथ में यूं करके मैंने उसको सोचा कि थोड़ा दबा के थोड़ा नरम कर लूं। बेगम को? अरे नहीं भाई, अंडा को। अच्छा, बेगम हथेली में आ सकती है क्या? अच्छा अच्छा, अब मैं क्या खाता हूँ? उबला हुआ अंडा जी। अब अंडा मैंने उठाया, मैंने कहा कि ज़रा उसको नरम कर लूं यूं यूं, ताकि उसका छिलका क्रैक हो जाए। अब यूं 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 किया तो पुछ करके अंडे में से जर्दी निकल के पूरी मेरी आस्तीन के अंदर आगे पूरे मेरे बदन पे लग गई। मैंने बेगम को आवाज़ दी, मैंने कहा बेगम ये क्या है? कहने लगी, हुई माँ तवा तवा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तो अंडा उबाल कर लाई थी। फिर खुद ही कहने लगी, कहने लगी ये चूल्हा जलाना भूल गई थी। आपकी बेगम की याददाश्त भी ठीक नहीं है, आप कभी अभी तक समझ में नहीं आया। तो आप दोनों की ज़िंदगी तो बड़े इत्मीनान से गुजर रही है। अरे नहीं साहब, बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। पिछले महीने शादियों का सीज़न था, हमारे एक अजीज़ की शादी थी जुमेरात को, उसी दिन हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हो गया। हम पहुंच गए वहाँ शादी में, अब बैठे हैं बन ठन के, जूड़ा बांधी हुई हमारी बेगम, हम लोग सूट वूट पहने हुए बैठे हुए वहाँ पर। वो तो पता चला कि मुनीर का इंतकाल हो गया है, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि फ़ौरन ये फूल उतारो। कहने लगी कि जूड़े के फूल हैं, लहद के फूल नहीं है, मैं नहीं उतारूंगी। बड़ी शर्मिंदगी हुई, वहाँ से वापस आए। आपकी याददाश्त खो गई है? क्या हजियान बक रहे हो, किसकी याददाश्त खो गई है? आपकी। अरे छोड़ो, जिगर मुरादाबादी के जानते हो कैसे शायर थे? बहुत बड़े और बहुत अच्छे शायर थे। कौन? जिगर मुरादाबादी। इस वक्त उनका क्या जिक्र है? इस वक्त उनका क्या जिक्र है यहाँ पर? बात बेगम की हो रही है, जिगर किनका कर रहे हो तुम? अभी तुमने मुझसे पूछा हाँ कि जिगर मुरादाबादी कैसे शायर है। मैंने पूछा। एक बात बताइए, हाँ जवानी में आप क्या करते थे? हाँ जवानी में हम इकबाल को सुनते थे, तू लाख चली रे गोरी थम थम के पायल में गीत चन चन के। ये इकबाल बानो है, मैं समझा आप अल्लामा इकबाल की बात। अरे अल्लामा इकबाल का जिक्र हमारे साथ कैसे कर दिया आपने? अल्लामा इकबाल हमारे मरने के
बहुत अरसे पहले पैदा हो चुके थे। आप गलत कह गए कुछ हैं। आपने कहा अल्लामा इकबाल आपके मरने से बहुत पहले पैदा हो चुके थे। अल्लामा इकबाल आपकी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो चुका था, आप शायद ये कहना चाह रहे थे। तो मैंने क्या कहा? आपने जो भी कहा है मैं उसको दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। मैं लानत भेजता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन एक बात है, हाथ मिलाने से पहले एक बात ज़रूर पूछूंगा। अपनी ईमान से कहो कि तुम्हारे प्रोग्राम में ऐसा दिलचस्प मेहमान कोई आया होगा पहले? टक्कर का मेहमान, टक्कर का। मैंने साबित कर दिया आज कि तुम एक यूजलेस आदमी हो। तुम सगीर को नहीं जानते, तुमने वो नॉवेल नहीं पढ़ी, तुमको शेर याद नहीं है, और फिर करते हो तुम जहीन आदमी हो। खुश रहिए। ये किसे कह रहे हो? बस एक नाम जिंदगी में याद रखिएगा। क्या? कि वो गलत मत लीजिएगा। क्या? अपने बाप का नाम जो है वही बताइएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? खुदा हाफिज। नाम नहीं बताया, सब भुला दिया मुझको। मेरा पूरा प्रोग्राम जो था, क्या सवाल करना थे, क्या था। ऐसा आदमी जिंदगी में पहली मरतबा मुझसे टकराया है। अब बगैर क्या नाम था? खुदा हाफिज। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।